तो हुई गाइस, क्या हालचाल, स्वागत है आपका PUBG मोबाइल लाइन के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। आज के गेम प्ले वीडियो की बात की जाए तो भैया, आज के गेम प्ले वीडियो में हम गेम प्ले चाहूँगा उससे पहले एक ज़रूरी काम कर लेते हैं कि आप शायद नोटिस किए हुए कल मैं वीडियो नहीं डाला था, मतलब एक शॉर्ट्स डाला था और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं है लेकिन एक छोटा रीज़न है कि भैया हम कुछ देख रहे हैं अपने फ़ोन में जिसको देखते देखते हमें टाइम का पता नहीं चलता और कल मैं 4 घंटे मतलब रात के 10 से 2 बजे तक वहीं देखता रह गया। और फिर जब मैं उठा, मतलब कल जब मैं 10 बजे उठा तो मैं वापस देखना चालू कर दिया और फिर मैं 4 बजे मेरे को होश आया। और जैसे ही मेरे को 4 बजे होश आया तो मेरे को समझ में आ गया कि अब गेम प्ले नहीं बन सकता, ना ही वॉइस ओवर हो सकता, ना ही अपलोड हो सकता। तो यही रीज़न था कि क्यों गेम प्ले नहीं आया। और अगर आज के बात की जाए तो भैया इतना अगर आप अपने टाइम को चेंज करो, मतलब डेली 12-1 बजे तक मैं सो जाता हूँ लेकिन अगर आप 2:30 या 3 बजे तक सो तो भैया आपके साथ क्या होता है आपको पता ही होगा, हेडेक, बुखार, ये सब हो ही जाता है। तो वैसे ही कुछ था आज, मतलब हल्का सर पकड़ा हुआ था, इसी कारण से आज गेम प्ले वीडियो में उतने कुछ खास स्किल्स नहीं होने वाले क्योंकि 1 घंटे में जो मेरे से बन पाया मैं वो बना दिया हूँ। तो भैया अब अगर गेम प्ले की बात किया तो आज के गेम प्ले में हम कूदते रहते हैं स्टेडियम और भैया स्टेडियम में कूदते तो है लेकिन पता हमें मिल भी जाते, मतलब पूरी एक एक स्क्वाड आ जाती है हमारे स्टेडियम में। तो भैया पहले वो स्क्वाड से फाइट करते हैं, भाते उसके बाद फिर तो ये भाई साहब को नॉक करने के बाद हम इन्हें डायरेक्ट फिनिट डाल देते और कोई खास रीज़न नहीं लेकिन सिर्फ ऐसे ही नॉक फिनिट डाल देता क्योंकि भैया ये मैं से पहले मैं काफ़ी बार नॉक फिनिश हो चुका रहता हूँ। तो भैया अब दिमाग ख़राब रहता तो सबको नॉक फिनिश ही डालते। और अब हमें यहाँ पे मिल जाती एक यूजी और एक मतलब अच्छी खासी गन वन मिल जाती और उसके बाद आगे चल के हम और लूट वूट करते तो हमें हेलमेट वेस्ट भी मिल जाता। और उसके बाद अभी ये स्क्वाड के 3 बंदे और जिंदा रहते जो कि अलग अलग जगह पे स्प्लिट हो चुके रहते हैं। ऐसा मेरे को साउंड समझ में आ रहा था कि भाई 2 बंदे जो हमारे वहाँ साइड है पुल साइड और 1 बंदा यहीं वाले बिल्डिंग में, तो यहाँ पे जो 1 बंदा बचा रहता है उसको लपेटने के लिए हम आगे निकल जाते हैं। अब ये बंदे को हम उसी नॉक डालते हैं और उसके बाद फिनिश भी करते हैं और इनको फिनिश करने के बाद इनका जो दूसरा टीममेट रहता है वो सामने से मूव करना चालू कर देता है। वो जैसे मूव करना चालू करता है हमें उसकी साउंड आती है और भाई बाहर बंदा स्पॉट हुआ था। अब ये बंदे को जैसे मैं नॉक फिनिश डालता हूँ इसका जो लास्ट टीममेट रहता है वो अपना अलग ही जगह पे जाके कैंपिंग करने चालू करता है और भाई मैं उस पर टाइम वेस्ट करने की जगह ड्रॉप लूटने के लिए निकल जाता। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मैं बिल्कुल आराम से रेड जोन से निकल जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तभी मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखता तो भैया ये बंदे को मारना ज़्यादा ज़रूरी है रेड जोन से। अभी भाई सबको ऊपर लेटने की बीमारी थी और ऊपर ही लेटे लेटे ये नॉक फिनिश भी हो जाते, मतलब फिनिश तो नीचे गिरते और हम उन्हें कर देते। और तभी भैया हम पे वापस से रेड जोन बन जाता और हम पे एक बंदा भी आ जाता, तो काफ़ी बंदा बंदा हो गया। अब थोड़ी चुप्पी साधन करते और ये बंदे से फाइट लेते।
अब ये बंदे को नॉक करते भाई मैं डायरेक्ट हीलिंग लगाना चालू करता हूँ, क्योंकि भाई ज़रूरी था वो, क्योंकि साइड से गाड़ी जा रही थी। और उसके बाद इसके क्रेट से मेरे को डिसेंट अमाउंट में एमओ मिल जाती है, और वो एमओ अच्छी खासी मेरे काम भी आ जाएगी आगे चल के। तो अब भैया जैसे रेड जोन खत्म होता मैं गाड़ी में बैठता और बंदूक ले निकल जाता। अब यहाँ पे मेरी याददाश्त बहुत तेज है, तो मेरे को याद आया कि थर्ड साइड से थोड़ी सी फायरिंग हुई थी, और मैं भाई थर्ड को खुदा भी देता हूँ। और भाई थर्ड में बंदे होते भी है, लेकिन बंदे बंदों से बाद में डीलिंग कर लेंगे। अभी आप एक जरूरी बात बताओ, क्या आप चैनल पे नया और वीडियो पसंद आ रही है तो देखा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम डेली ऐसे गेम पे वीडियो लाते रहते हैं। और यहाँ पे एक एस्टेल्फ के वाला गाड़ी से नॉक हो गया। और दूसरा एस्टोल्फ के वाला कुछ ना कुछ करके मर जाता है, और इसको मारने के बाद भैया हम इसके एस्टोल्फ के उठा लेते हैं सेफ्टी के लिए, कि अगर सामने वाला कोई एस्टोल्फ के चलाया है तो हम उस पर एस्टोल्फ के चलाएंगे, नहीं चलाया तो एस्टोल्फ के नहीं चलाएंगे, ऐसा कुछ हम सोच के एस्टोल्फ के उठा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी लूट भी कर लेते हैं बंदों से, और उसके बाद हम थर्ड छोड़ के बंदों की तलाश में वापस से निकल जाते हैं। यहाँ पे मेरी ग्लिच है, बग्गी की ग्लिच है, या शायद तक मेरी गलती क्या पता, लेकिन अब ये ग्लिच या फिर जो भी था इसके कारण मेरा पूरा गेम खराब हो जाता। कैसे मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे भैया पीछे वालों पे थे एमके, और वो मेरे गाड़ी के टायर पे फोकस करते और गाड़ी का टायर फट जाता। अब मैं जोन के अंदर जाने का तो कुछ सोच भी नहीं सकता, कि गाड़ी की स्पीड हो जाती है हमारी 40, और भैया 40 की गाड़ी लेके तो आप जा पाओगे नहीं जोन में। तो मैं भैया बाहर निकलना चालू कर देता हूँ मतलब जोन से, और एक गाड़ी ढूंढना ट्राई करता हूँ, और गाड़ी ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और जब गाड़ी मिल जाती तो मैं भैया जोन में निकल जाता, और जोन में निकलने के बाद भैया मैं बंदों को मिसजज कर देता, और उसके कारण मेरा पूरा गेम प्ले खराब हो जाता। अब देखोगे आप तो समझ जाओगे कैसे क्या होता। अब मेरे को लग रहा था यहाँ पे दो बंदे हैं, क्योंकि मेरे को कोई स्पॉट नहीं हुआ था मतलब तीसरा बंदा, तो मैं भाई गाड़ी डायरेक्ट रोक देता हूँ यहाँ पे, और काम हो गया, क्योंकि मेरे को कोई हेड नहीं था कि पीछे बंदा है आगे बंदा है क्या सीन है। और यहीं पे इसी के चक्कर में हमारा गेम खराब हो जाता है, तो भैया आप क्या ही बोले। तो हाँ आज तो नहीं हुआ है चिकन डे, लेकिन कल पक्का चिकन लाएंगे, और चिकन के साथ ठीक ठाक किल्स भी लाएंगे, लेकिन परसों पक्का मैं 15 से 18 किल का गेम प्ले लाने का ट्राई करूंगा, और गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। तो सॉरी आज का गेम प्ले होता कुछ मज़ेदार ना हो, तो लेकिन हैंडल कर लियो। बाय बाय।